गाइस आज हम बनाएंगे बर्फी खोए की। तो हमने लिया कोकोनट पाउडर, खोआ, और अब हम कढ़ाई लेंगे, उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा देसी घी जिससे ये मेल्ट हो जाए। जब मेल्ट हो जाएगा तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हम कोकोनट पाउडर। कोकोनट पाउडर डालकर अब हम इसमें डालेंगे खोआ, जिससे देखते हैं हम कढ़ाई गर्म हुई या नहीं। खोआ डाल देंगे अब हम इसमें पूरा खोआ डाल के, अब इसे हम थोड़ा मेल्ट होने तक इसमें हम दूध डालेंगे। दूध डालकर ये पूरा मेल्ट हो जाएगा खोआ, जिससे कि फिर ये हमारी बर्फ़ी का वो बन जाएगा। अब ये चीनी ली हमने, शुगर, अब इसमें हम डालेंगे, अब हम इसमें डाल दिया कोकोनट पाउडर। कोकोनट पाउडर डालकर हम इसे थोड़ा सा ब्राउन होने तक इसको हम चलाते रहेंगे, जब तक ये मैश ना हो जाए। कोकोनट पाउडर एंड खोआ, जब तक ये मेल्ट नहीं हो जाएगा तब तक इसमें हम थोड़ा सा दूध डाल देंगे। दूध डालकर ये मेल्ट हो जाएगा पूरा। अब इसमें हम थोड़ा सा और कोकोनट पाउडर डाल देंगे। कोकोनट पाउडर डालकर अब हम इसमें थोड़ा सा और चलाएंगे, जिससे कि ये मिक्स हो जाए और ब्राउन हो जाए। जब तक वह ब्राउन नहीं होगा तब तक ये बर्फ़ी का लगेगा नहीं, बर्फ़ी जैसा। चलिए अब हम इसको चलाते रहेंगे जब तक ये धीमी आंच पर, जब तक ये ब्राउन ना हो जाता है तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। जले ना, खुशबू आ जाएगी, वरना इसमें जलनेपन की। चलिए अब हम इसको चलाते रहेंगे, चलाते रहते हैं, चला के रहेंगे। और फिर अब हम इसमें इलायची डालेंगे। इलायचियों को हम कूट लेते हैं छोटी छोटी करके। अब हम इसमें इलायचियाँ डाल के डाल देते हैं, थोड़ी सी मस्ती भी कर लेते हैं। चलिए हाँ, थोड़ी सी मस्ती भी ज़रूरी है। चलो अब हम डालते हैं, अब हम इसमें थाली लेंगे, इसमें घी लगाएंगे। घी लगा के अब हमारी मम्मी आ गई इधर देखने कि कैसा बन रहा है यहाँ पे, बर्फ़ी कैसी बन रही है यहाँ पर। इन्होंने चेक किया, अब हमने थाली में इसको पूरे को बर्फियों को, बर्फी का जो खोआ था उसे डाल दिया घी लगाकर, जैसे कि चिपके ना। इसमें कोकोनट पाउडर। थैंक यू गाइस।